गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्लास्टिड्स और यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी किया था। टुडे वी विल स्टडी व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का फॉर्मेशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, बेसिक इनका स्ट्रक्चर या बेसिक इनका फॉर्मेशन किससे होता है और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल। मैंने फर्स्ट इनिशियल डेज इन चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था, एंड यू कैन कंपेयर विद ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग। सेल्स कैन बी इजिली सीन इन एन ओनियन पील। शेप एंड साइज ऑफ द सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अलग अलग साइज के सेल्स होते हैं, डिफरेंट। इट इज बेसिकली चेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। जो सेल्स स्टमक में होंगी उनका शेप अलग होगा, जो सेल्स माउथ में होंगी उनका शेप अलग होगा। फंक्शन क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, इलिप्टिकल, स्मॉल और वेरी लार्ज। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। ये स्मॉलेस्ट सेल दैट इज पीपीएलओ, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल इन अवर बॉडी, ये मालूम होना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल। लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी नर्व सेल और न्यूरॉन, क्लास 8th में 7th में भी आपने इसको पढ़ा है। ये देखिए आपके सामने मैंने एक स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्मा कॉलोनी, ये लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग है, ये स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज आरबीसीज, ये लार्जेस्ट सेल। मैं फिर बता दूं यहाँ पे आपको कि ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन सिंगल न्यूरॉन नहीं होती, लाइक दैट चेन ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। वो चाहे प्लांट सेल हो वो चाहे एनिमल सेल हो, इनका बेसिक फॉर्मेशन या सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन तीन मेन चीजों को डिपेंड करता है। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल इन एडिशन टू द अबव कंपोनेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये मैंने आपको बताया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, डिस्कवर बाई सी नेगली एंड सी क्रैमर इन 1855। आउटर मोस्ट कवरिंग, जब भी किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, बेसिकली इट फंक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल एक्सेप्ट प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज सेल वॉल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, क्योंकि सेल्स जो होती हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट से बाइफ्रकेट करते हैं। इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट अलाउज टू सर्टेन सब्सटेंस बाय विच द एडजेसेंट सेल्स कैन एक्सचेंज सर्टेन मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए बनी हुई है, डायग्राम मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये प्रोटीन और लिपिड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। फंक्शन क्या होता है इनका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये साइटोस्केलेटन है, कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या होता है? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द समंदर मेटेरियल्स। इट इज वेरी थिन, इलास्टिक,
लिविंग एंड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव परमेबल मीन्स कुछ सब्सटेंस को ही अंदर आने देती है, सारे सब्सटेंस को अंदर परमिट नहीं करती है. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ऑल्सो कॉल्ड लाइपोप्रोटीन. इट इंक्लोजेस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इनक्लोज करती है, जिससे कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहते हैं. इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है ना. तो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन टू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाई ए प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन. In this case, there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of lower concentration. Higher concentration से lower concentration की तरफ molecules का movement होता है. Thus, diffusion plays an important role in gases exchange between the cells as well as the cell and its external environment. Thank you. Have a nice day.